और बच्चों कैसे हो? ठीक है, देखो जो हम लोग कल लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसको अभी हटाते हैं और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बहुत इम्पोर्टेंट है और कई पेरेंट्स के भी व्हाट्सएप आए या कमेंट्स आए कि ये डिस्कस कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ द राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करने का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, पेज 20 है, और हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो, बिकॉज एग्जाम्स हैं तो आप छोटा सा वीडियो है, बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप टेंस के फॉर्म में कर सकते हैं, आप हंड्रेड्स के फॉर्म में कर सकते हैं, आप थाउजेंड्स के फॉर्म में कर सकते हैं। तरीका क्या है, तरीका कंसेप्ट, कंसेप्ट सबको पता है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम बच्चों को पता है। जैसे टेंस के फॉर्म में जाना है और कोई नंबर हमने लिया, दैट इज हमने लिया 14, लिया हमने लिया 15, हमने लिया 17, हमने तीन नंबर्स लिए और इसको बोला कि टेंस के फॉर्म में राउंड ऑफ करना है, तो सीधी सी बात है। तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी नंबर ये किन दो टेंस के बीच में आ रहा है, ये नंबर किन दो टेंस के बीच में आ रहा है। मतलब 14 के पहले टेंस क्या है, 10। टेंस का मतलब 10, 20, 30, 40, जो 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। तो दूसरा जो इसके बाद है वो है 20 और जो इसके बीच में है वो है 15। ये तीन नंबर आप लिख लीजिए दिमाग में, लिखना नहीं है, दिमाग में लिख लीजिए। कॉपी पर लेके बच्चों बैठना, दिमाग एकदम साथ में होना चाहिए, है ना, बुक भी साथ में, क्योंकि सारी चीजें हमने लिख सकती है बोर्ड पे, राइट। तो 10 लोअर लिमिट हो गई, ये 20 और 15 बीच का एक टर्म वो भी लाके रख दिया। राउंडिंग ऑफ का पूरा दारोमदार इस 15 पे है। अगर नंबर 10 से लेके 14.99 तक है या जिसने 15 को टच नहीं किया, उसके पहले कोई भी नंबर है और उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो वो आंसर 10 के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर 14 को हम राउंड ऑफ करेंगे, हमें डेसिमल और फ्रैक्शन छोड़ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 के बाद 11 ही है, 11 के बाद 12 है या 13 या 14 है 15 है, राइट। तो जो लो वाले मीट है दैट इज 10, तो 14 का जो आंसर होगा राउंड ऑफ करने पे वो 10 होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 15 जो मिड पॉइंट है उस पे या उससे ज्यादा है तो अपर लिमिट पे जाएंगे, आगे वाली लिमिट पे जाएंगे, दैट इज 15 अगर है तो 15 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 20, और अगर 17 है तो 15 ये क्रॉस कर चुका है तो इस सरहद पे आएगा और उसका भी राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, दैट इज 20। सिंपल सा कंसेप्ट कि मिड वैल्यू को देखना है, मिड वैल्यू से कम है तो लोअर लिमिट पे आएंगे, मिड वैल्यू या मिड वैल्यू से ज्यादा है तो अपर लिमिट पे जाएंगे। यही हाल हंड्रेड्स में, फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स को भी हम डिफाइन कर ले और उसी तरह थाउजेंड्स में चलता है, हंड्रेड्स को लेके चलते हैं। जैसे हमने पूछा 231 राउंड ऑफ करना है, तो 231 के पहले जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट क्या होगी, हंड्रेड्स के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ये नंबर दो हंड्रेड्स के बीच में है, 200 एंड 300 मिड पॉइंट 250, तुरंत लिख लीजिए दिमाग में। ऑब्वियसली ये इस रेंज में आ रहा है, 250 से टच नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोअर लिमिट दैट इज 200, राउंड ऑफ करेंगे 231 को कितना होगा बोलो 200। एकदम क्लियर है, बहुत तेजी से चल रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए, बाकी इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेंस के फॉर्म में हो गए, हंड्रेड्स के फॉर्म में हो गया, छोटा सा वीडियो एकदम आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ये आपको दिया हुआ, 489,348 माइनस 48,365, देखो स्पीड बहुत तेज है, बहुत ध्यान सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, लगे रहो। 489,348 माइनस 48,365 माइनस करना है, और क्वेश्चन जो आपको दिया बड़ा अजीब तरह, कई लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन में जो लिखा है वही नहीं समझ में आ रहा, करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, इसको पहले टेंस के फॉर्म में डेवलप करना फिर हंड्रेड्स के फॉर्म में डेवलप करना, आंसर को नहीं क्वेश्चन को। मतलब ये जो नंबर है इससे जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों नंबर्स को पहले टेंस के फॉर्म में लेंगे, सेकेंड हिस्सा सेकेंड पार्ट इन दोनों नंबर्स को हम हंड्रेड्स के फॉर्म में राउंड ऑफ करेंगे। अब अगर इसको हम टेंस के फॉर्म में करेंगे तो हमें टेंस पे कंसेंट्रेट करना है, हमें मछली की आंख देखनी, पूरी मछली से कोई मतलब नहीं यार, ठीक है, तो हमें टेंस पे जाना है तो हमें 48 से मतलब है, हमें टेंस पे जाना है तो हमें 65 से मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, बाकी जो डिजिट होंगे वो एज इट इज हमें कॉपी कर देना,
और जो कॉपी कर देना उसको क्या देखना। तो हमने क्या लिखा, 4, 8, 9, 3 48 है। सोचो जरा, दो टेंस के बीच में होगा, 40 एंड 50, 45 मिनट। दिमाग बैठा लो, दिमाग बैठा लो, दिमाग में 48 है, 40 पहले, 50 बाद में, 45 मिनट, 48 है, 45 क्रॉस कर गया, तो राउंड ऑफ करने पे क्या होगा 48 का 50, तो 48 किस पे कन्वर्ट हो गया 50 पे। 65, दो टेंस के बीच में, 60 एंड 70, 65 मिड, और ये मिड वाला ही नंबर है, अपर लिमिट में जाएगा, दैट इज 70, राइट। समझ में आ गया, इसी तरह चलना, सीधी सी बात, बाकी नंबर का कोई वैल्यू नहीं, हमने उतार के वैसे डिजिट कॉपी कर दिया, माइनस क्यू गेट द आंसर, पहले से कर लिया सॉल्व, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉपी जल्दी से कर ले। सेकंड इससे हंड्रेड्स में आते हैं, जब हंड्रेड्स पे आएंगे तो हम सिर्फ 100 पे कंसंट्रेट करेंगे, 348 पे कंसंट्रेट करेंगे, हम 365 पे कंसंट्रेट करेंगे, हम किसी को नहीं देखना है, कोई नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब अगर 348 है तो 200 के बीच में कौन कौन, 300 एंड 400, 350 मिड में, और 350 से पहले है कि बाद में, पहले, तो आंसर क्या होगा, पहले है 348, 350 से पहले है तो आंसर क्या होगा 300 लिख दिया। 365 ये भी 300 और 400 के बीच में, मिड 350 क्रॉस कर गया है, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 400, राइट। इन दोनों को माइनस किया, यू गेट द आंसर, सिंपल, बहुत आराम से, ये छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत टाइम लिया मैंने आपका, हो सकता हो हेल्पफुल हो आपके लिए कल के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।